अभी मैंने फ्रेंड को ड्रॉप किया और मैं निकल रहा हूँ सोलो राइड पे, तो जिसको काम पड़ गया था तो उसे यहीं रहना था, तो मैंने सोचा क्यों ना चैलेंज लिया जाए। 130 किलोमीटर की राइड है, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और देखता हूँ कितने टाइम में कंप्लीट करता हूँ। तो आज टेस्ट होने वाला है मेटियोर का और साथ में मेरा, तो देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट। रास्ते मुझे लगी भूख, तो यहाँ पे एक स्टॉल लगता है कुलचे का, तो मैंने अभी कुलचा लिया, तो खाकर देखता हूँ कैसे मजा आता है और फिर दोबारा चलता हूँ सोलो राइड पे। तो अभी मैं टर्न कर रहा हूँ अपने गांव को, तो पहुँच चुका हूँ गांव में। तो मेरी जो 130 किलोमीटर की राइड थी ये मैंने कवर की है 1 आवर और 50 मिनट में। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी हम वापसी के लिए निकल रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप लगी हुई है ना, ऐसे लग रहा है सुबह को बारिश ही नहीं हुई, मतलब ऐसे ऐसे फील हो रहा बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा गर्मी है। टाइम काफ़ी लग गया, अभी निकलते हैं क्योंकि जाते जाते फिर वही टाइम 6-7 का हो जाता है। सोचा नहीं सी जितना लग चुका सानू ऐसी जल्दी हो जाएंगे, जल्दी मुझे तो ये लगता था 12 बजे से पहले निकल जाएंगे, पर अभी तो 1 से 1 का टाइम हो चुका, मेरे साथ 2 बज चुके हैं, 2 o'clock का टाइम हो चुका है। तो अभी निकलते हैं, लंच वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं वापसी। अभी मैंने फ्रेंड को ड्रॉप किया बिकॉज मेरे साथ था वो, उसको एकदम से फ़ोन आ गया और उसको रुकना पड़ गया, तो वो बोला मैं तो सुबह आऊँगा तू जा। तो मैंने सोचा मैं निकलता हूँ जल्दी से जल्दी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ना एक चैलेंज लेता हूँ, मुझे टोटल जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर की है, तो इस 130 किलोमीटर को देखता हूँ कितनी जल्दी से जल्दी निकाल सकता हूँ। तो खींचो खींच लेता हूँ, कुछ लोकल रोड्स हैं, जैसे कुछ लोकल सिटी बोल दो छोटी सी या कस्बे बोल दो, वो आती हैं, उनमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो सारा कुल मिलाकर देखता हूँ कितने टाइम में अपना जो ये 130 किलोमीटर क्रॉस करता हूँ। तो वैसे तो भूख भी लगी है, लंच का इरादा है, लेकिन यहाँ पर लंच नहीं करूँगा, लंच में टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो यहाँ पर ना इस एरिए में जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट का एरिया, कुलचे बहुत मशहूर है, तो स्टॉल्स लगे होते हैं, या रास्ते में एक कस्बा आएगा नवा गाँव, वहाँ पर तो वहाँ पर रुक कर देख लूँगा। थोड़ी सी दिक्कत यही है कि जो अभी आफ्टरनून का टाइम और ट्रैफिक काफ़ी मिलेगी, तो कोई बात नहीं, देखते हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं आज, खींचो खींच लेते हैं। मैंने इतना लंबा रोड पर कभी इतनी स्पीड पर बाइक नहीं चलाई, तो आज मेटियोर का टेस्ट है और मेरा भी टेस्ट है। यही दिक्कत आती है बस थोड़ी सी कि ये साइड नहीं देती जब बड़े व्हीकल लोकल रोड पर, ये देखो ये कैसे चला रहा है, तो थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, खींचते हैं, खींचो खींच लेना है तो बिल्कुल, मेटियोर का टेस्ट और मेरा टेस्ट है दोनों का। तो भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लग चुकी है और गर्मी भी बहुत है, सुबह के मुकाबले अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बादल आगे दिख रहे हैं, लग रहा है शायद आगे जाते रास्ते में आ जाए कहीं ना कहीं। तो अभी तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगी हुई है, इतनी तेज़ बाइक पर स्पीड पर जा रहा हूँ फिर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कहीं से भी ठंडी हवा आ जाए, गर्मी ही लग रही है। अभी खींचता हूँ, और जब हम सुबह दोनों जाने आए थे ना, उस टाइम इन इस सारी जगह पे इतनी बारिश हुई थी, तो आते हमें ना बहुत ही मतलब भी प्रॉब्लम आई थी, कभी यहाँ खड़ो कभी वहाँ खड़ो, तो मेरे हिसाब से नियरली 2 आवर हमारे वेस्ट हो गए थे। तो अभी जाते हुए इतनी गर्मी हो गई है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बारिश सुबह हुई है, अरे भाई साहब कैसे साइड ले रहे हो, ये प्रॉब्लम होती है। ये लोग ना पीछे नहीं देखते कि पीछे से भी कुछ आ रहा है, किसी और ने साइड लेनी है। तो ये सभी रोड पे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही ना बुरा हाल कर देगी बारिश और बाढ़ फिर से आ जाएगी। तो अभी ऐसा लग रहा है दोपहर के 2 बजे से ऊपर का टाइम है और सुबह तकरीबन 10 बजे तक बारिश होती रही है, तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बारिश हुई भी है कि नहीं, लेकिन सामने ये बादल से दिख रहे हैं, बारिश दोबारा भी आ सकती है, वो आना भी मत लाना बारिश, सुबह बहुत बारिश झेली है, सुबह बहुत प्रॉब्लम आई है। तो अभी मैं खींच रहा हूँ 80 90 कॉन्स्टेंट स्पीड रखा हूँ। तो मुझे यही है कि मैं जो चैलेंज लिया है 130 किलोमीटर का, जितना जल्दी कवर कर सको उतनी जल्दी पहुँचना है अपनी सिटी में, तो इसलिए मैं कॉन्स्टेंट स्पीड पर चला रहा हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलती 90 100 80 90 80 से ऊपर चला रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ कहाँ तक ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर चला सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो ट्रैफिक कम है, आगे कई कस्बे आ जाते हैं उनमें ट्रैफिक काफ़ी आ जाती है, प्रॉब्लम बस यही आती है। तो मुझे तो लग रहा है काम ख़राब भी होगा भाई, बारिश बादल आगे आगे तो ऐसे ब्लैक ही दिख रहे हैं, तो देखता हूँ भगवान क्या चाहते हैं। वैसे तो भगवान ने काफ़ी साथ दिया है जब से राइडिंग स्टार्ट की है,
तो आज थोड़ा ज़्यादा तंग हुआ है। आज सुबह मैंने पहले सोचा कि यार साथ में ले लूँ क्या रेन सूट, बाद में सोचा यार छोड़ो, अभी ये नवागांव कस्बा आ रहा है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑन रोड कोई स्टॉल मिल जाए कुलचे का, अगर मिल गया तो कुलचा खाएंगे, 5-10 मिनट रुक के जल्दी से खा लेंगे और जल्दी से निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे लगा होता है एक दो स्टॉल, देखता हूँ। ये प्रॉब्लम है बाइक, गाड़ी वाले एकदम ब्रेक लगा दी यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ देखता हूँ कहाँ पे लगा हुआ कुलचे का स्टॉल, कुलचे का स्टॉल, ये लगा हुआ कुलचे का स्टॉल। यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं और कुलचा खाते हैं बाइक के पास से और फिर निकलेंगे अपनी सोलो राइड पे दोबारा। अपना कुलचा बन के आ चुका है, अभी इसको खा के टेस्ट देखते हैं कैसा टेस्ट है, देखने में अच्छा लग रहा है। अरे मैं बॉर्डर एरिया क्रॉस कर रहा हूँ, पंजाब से हरियाणा में एंटर कर रहा हूँ। ये वही एरिया है जहाँ से ये गग्गर नदी निकलती है, यही नदी है जो जिसने आधा पंजाब हरियाणा को डुबोया। तो अभी ये एरिया है जो ये सारा बॉर्डर है, अभी हरियाणा में एंटर कर चुका हूँ मैं। ये पहला गांव है हरियाणा में एंटर करते ही, यहाँ पे पहले ये टोल टैक्स आता है, वैसे ये हैवी व्हीकलों का होता है, जो लोड व्हीकल होते हैं हैवी लोड व्हीकल होते हैं, गाड़ी कार का या बाइक का नहीं होता। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलती है तो देख के क्रॉस करते हैं, जल्दी निकलते हैं बिकॉज धूप काफ़ी लग रही है और बादल से भी आ रहे हैं, तो बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, यही है काम ख़राब ना हो जाए। गाड़ी वाला साइड नहीं दे रहा भैया, इस साइड से देखता हूँ। अरे यार सारी साइड से ही रोड भी टूटा पड़ा है, यहाँ पे रोड काटा था इन्होंने जब पीछे पानी आया था। गाड़ी वाला लगता मुझे साइड नहीं देगा, खींच के लेता हूँ। ये बच्चों की लगता स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे देखो बच्चे, अरे यार कैसे क्रॉस कर रहा है। ये बच्चे बहुत काम खराब करते हैं, अड़दंग मचाते हैं सड़क के ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि इनको, ये बड़ा रोड है जैसे इतनी ट्रैफिक रहती है तो इनको क्रॉसिंग करा के ये गांव तक छोड़ा जाए, ऐसे तो कभी कभार हादसे हो जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। ये सारा एरिया ना पानी की मार में आता है, सारा टोटली जितना एरिया है यहाँ से पानी होके गुजरा, ये सारी फसलें दोबारा लगी हैं, कुछ बच गई। यहाँ पे सड़क भी काटी थी इन्होंने, एक पीछे काटी थी जहाँ से टोल टैक्स से क्रॉस कर रहे थे, एक यहाँ से काटी थी यहाँ जहाँ से मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, ये यहाँ से तभी ये पानी क्रॉस हुआ है दूसरी साइड। तो अभी यहाँ से आराम से निकलते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं, ये चीका सिटी है, वहाँ से फिर आगे जल्दी निकलें, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है लोकल जो कस्बे या कोई गांव आ जाता है उसकी क्रॉसिंग में। अदरवाइज तो मैं अच्छी स्पीड पे आ रहा हूँ, पर इन गांव में लोकल जगह पे मैं कोशिश करता हूँ कि खींच के लूँ थोड़ी सी, तो अभी थोड़ी और खींचता हूँ कि मेरा जो चैलेंज है जो मैंने लिया है जल्दी से जल्दी मैं पहुँच सकूँ अपनी डेस्टिनेशन पर अपनी सिटी में। अभी मैं कैथल में एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने आधे से ज़्यादा अपनी जर्नी है जो वो सफ़र तय कर लिया है। तकरीबन ये लगा लो कि मैं 130 किलोमीटर में से 70 से 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर कर चुका हूँ। तो अभी मैं जल्दी से जल्दी निकल रहा हूँ, थोड़ा सा इस सिटी को क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा क्योंकि ये सिटी बड़ी है, तो अभी इस साइड लेने में डर लगता है यार तूड़ी वाले से, वेट ही करना चाहिए, थोड़ा सा वेट ही कर लेता हूँ आगे से कुछ आना जाए, दिख तो रहा नहीं कुछ, ये तूड़ी वाले ना मरवाते हैं ऐसे ही। यहाँ से देखता हूँ बाइक वाला तो चला गया, इसके पीछे मैं चला जाता हूँ। तो ये सिटी की प्रॉब्लम ये है, सिटी थोड़ी बड़ी है पर इसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इस ट्रैफिक को क्रॉस करने में मेरा जो टाइम है वो जाएगा, अदरवाइज पीछे जो 80 किलोमीटर है वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप लगा के चलो कि मैंने अराउंड 40 मिनट में कवर कर लिया है, तो अभी आगे देखो मुझे कितना टाइम लगता है। तो अभी सिटी में मुझे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है बिकॉज आफ्टरनून हो चुका है, तो इस टाइम स्कूल्स की छुट्टी होती है और लोग वैसे भी इस टाइम काफ़ी आवाजाही होती है, तो यहाँ से जाने में ही प्रॉब्लम आएगी। अरे 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 अरे, ये रिक्शे वाला, पहले तो इस साइड का इंडिकेटर फिर दूसरी साइड, ये ऑटो वाले इतने खासकर ई रिक्शा और जो ऑटो हैं सी एन जी वाले हैं दूसरे, इनसे साइड लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं देखते, अरे बाइक
बाइक वाले भी यार लोग कभी कभार बिल्कुल ही नहीं देखते कि रोड पे कैसे क्रॉसिंग करनी है, बस सीधा मुंह उठा के बैग लिए। इस रोड में प्रॉब्लम आएगी, मैंने जब सोचा उससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। जब से मैं एंटर किया हूँ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, मैंने ये सोचा था ठीक ठाक ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है पीछे जो 80 किलोमीटर अभी मैंने 40 मिनट में कर लिए, रिकवर कर लिए, तो अभी ये जो 50 किलोमीटर है इसमें 50 मिनट ही लग जाएंगे, बिकॉज ये सिटी ही खा जाएगी मेरे मोर देन 20 मिनट्स। तो ये बड़े व्हीकल आगे होते हैं जैसे ट्रैफिक में इनसे साइड लेने में प्रॉब्लम आती है, कुछ ये जो स्कूल व्हीकल जा रहे होते हैं अभी कभार ये साइड बहुत मुश्किल देती है क्योंकि इनको खुद की जल्दी होती है। ये देखिए ये देख बिना इंडिकेटर के मोड़ रहा, इनको खुद की जल्दी होती है, बच्चे उतारो जल्दी से जल्दी घर पर निकलो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्रैफिक में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे अरे अंकल आइए, देखो अंकल कैसे कर रहा है अभी अभी, ये देखो गाड़ी वाला कैसे आगे से आ गया। तो ये अंकल जैसे टर्न कर रहे थे तो उसमें अगर मैं थोड़ा खींच के इनके बीच में लगता तो गलती मेरी होती, तो यही प्रॉब्लम है ना ट्रैफिक में, इसी वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा। तो ये देखो गाड़ी वाला कोई कहीं से भी आ जाता, फ्रंट वाले को नहीं देखता, बस लोगों को तो यही होता है मैं जिधर जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, अभी आधा आ चुका हूँ तो जल्दी से और निकलता हूँ। फाइनली मैं क्रॉस कर चुका हूँ सिटी को और बाहर आ चुका हूँ सिटी से, अभी मैं हाईवे पे हूँ तो अभी थोड़ा सा आराम मिल रहा है। कुछ ना मौसम ठंडा सा हो गया, बादल आ गए हैं तो इस वजह से भी ना थोड़ी सी जो एयर है वो ठंडी हुई है, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, कुछ शहर के अंदर पोल्यूशन ट्रैफिक उसकी वजह से भी ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, तो अभी अच्छा फील हो रहा है। तो अभी इसको मटेरियल को खींचता हूँ और जल्दी से जल्दी जो किलोमीटर रह गए हैं जो डिस्टेंस रहेगी उसको कवर करता हूँ, देखता हूँ मैं अपनी सिटी में ये 130 किलोमीटर कितने टाइम में पहुँचता हूँ। और जो आज मैंने पहली बार ये चैलेंज लिए है, पहले तो मैं कम ही इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्पीड पर चलाता हूँ, ज़्यादातर मेरी जो एवरेज स्पीड होती है वो 60-70 होती है, तो आज मैं 80-90 अभी भी 80 से ऊपर है 90-100 पर लगातार चलाते आ रहा हूँ। सो बाइक थोड़ी थोड़ी हीट भी दे रही है क्योंकि ये बाइक हीट भी देती है, तो अभी स्पीड पर खींचता हूँ और पहुँचता हूँ अपनी सिटी में। सो फाइनली आई रीच्ड इन माय सिटी, तो अभी मैं अपनी सिटी में पहुँच चुका हूँ और बाइक का सुबह बारिश में बुरा हाल हो गया था, तो मेरा यही इरादा है कि इसको वॉश करा के लेके जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाइक के ऊपर कुछ लगा हो जैसे मिट्टी वगैरह लगी हो। मुझे ये होता है कि यार जब आप ट्रैवलिंग करके आते हो ना तो बाइक को बिल्कुल चमका के घर लेके जाओ। तो अभी अपने भाई है यहाँ जहाँ से मैं मोस्टली बाइक को वॉश करवाता हूँ, उनके पास चलते हैं और वॉश करवाते हैं। कई बार इनके पास काफ़ी रश होता है लेकिन मेरी बाइक फिर भी वॉश कर देते हैं, बहुत ही अच्छे हैं ब्रदर्स। तो अभी इनसे पूछते हैं भैया कि वॉश कर दो और जल्दी से घर पहुँचे, काफ़ी खींचो खींच आया हूँ। भाई से पूछते हैं, कभी मना तो नहीं करते, भैया कर दो वॉशिंग। भाई मैंने बोला था ना कभी मना नहीं करता मुझे, तो अभी वॉश करवाता हूँ इसको, पहले स्टैंड पे लगा के ना आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे तो ना आज सोलो राइड पे खींचो खींचना मेरा बुरा हाल हो गया, मैंने कोई गड्ढा नहीं देखा कुछ नहीं देखा, मोस्टली मैंने यही देखा कि स्पीड पे चलानी है जल्दी पहुंचना है, चैलेंज ले रखा है। अभी आप इसकी कंडीशन देखना, इतना बुरा हाल हो रखा है ना सुबह बारिश की वजह से, तो बिल्कुल ही सारा इंजन मिट्टी, सारा नीचे मिट्टी मिट्टी भी पड़ी है। अब इसको वॉश करवा के तो निकलते हैं घर को। तो वॉशिंग होने के बाद देखो कितनी जबरदस्त लग रही है अपनी मटेर, अभी अपनी मटेर रेडी है तो स्कूल लेके निकलते हैं, जो थोड़ा डिस्टेंस रह गया घर तक पहुंचने का उसको जल्दी से करते हैं कवर और पहुंचते हैं घर को। तो अभी मैंने सोचा कि फ्यूल बहुत कम है लगा के चलते हैं, तो पीछे इस वीक में ये मेरा थर्ड टैंक है, बिकॉज काफ़ी ट्रैवलिंग हो गई इस वीक में, तो लगातार मैं फ्यूल डलवाते ही जा रहा हूँ, अभी आज फिर फुल करवा रहा हूँ। मेरा यही इरादा होता है जब भी फ्यूल कम होता है बिल्कुल लेके जाता हूँ बिल्कुल लो, और उसके बाद फुल ही करवाता हूँ, मोस्टली मैं फुल ही करवाता हूँ। तो अभी डल चुका है आई थिंक
900 समथिंग का, तो अभी फिर आगे निकलते हैं घर के लिए। तो अभी फ्यूल डल चुका है, तो ये जो पंप है हमारे घर के पास ही है, मीन्स मेरे गांव के पास ही है, तो ये फ्यूल अच्छा डालते हैं। तो मैं मोस्टली हम बाइक में, कार में या ट्रैक्टर में एग्रीकल्चर के लिए यहीं से ही फ्यूल डलवाते हैं, बिकॉज ये फ्यूल बहुत अच्छा डालते हैं, इससे माइलेज भी अच्छी आती है। तो अभी मैं अपने गांव के नज़दीक पहुंच चुका हूं, ये साथ ही में जस्ट हाफ किलोमीटर इस पंप से मेरा गांव आ जाता है। तो अभी मैं टर्न करने वाला हूं अपने गांव को, यहीं साथ में हमारी ज़मीन है जो जहां पे हम एग्रीकल्चर करते हैं राइट साइड में। तो अभी मैं अपने गांव को टर्न कर रहा हूं मेन रोड से। तो ये जो मेरी 130 किलोमीटर की जर्नी थी, तो ये जर्नी मैंने 2 आवर से भी कम, 1 आवर 50 मिनट में कंप्लीट की है, 110 मिनट में 130 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।